एवरीवन, दिस इज आकांक्षा, योर केमिस्ट्री टीचर। तो आज आप लोगों का वेलकम करती हूँ एकदम हाई जोश के साथ इस प्यारे से चैनल आरएडी एकेडमी में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। टेंथ में तो अच्छा करना है ना, टेंथ में बहुत टॉप तो करना है, अपना बेस्ट तो देना है, तो केमिस्ट्री में भी बेस्ट देना है ना आपको। केमिस्ट्री भी आप लोगों को बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे, इसीलिए तो मैं आई हूँ और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने इसलिए तो आई हूँ। तो आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, आई होप पता ही होगा आप लोगों को। तो जैसा कि हमने सेकेंड चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर ही लिया, बस एक टॉपिक बचा है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा एंड बहुत सारे कंपाउंड कॉमन सॉल्ट के हेल्प से एंड जिप्सम के हेल्प से हम लोगों ने सीखा पॉप्स बनाना। वो तो आप लोग सीख ही गए होंगे एंड बनाया भी होगा आप लोगों ने लेबोरेटरी में, अगर आप लोग सेंसिटिव हो तो आप लोगों ने तो बनाया तो होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जैसे कि आप लोगों ने देखा वॉशिंग सोडा में, जो वॉशिंग सोडा का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसमें 10H2O आता था, किसी में 7, किसी में आता था हाफ H2O। वो कैसे आता था, वो क्या था, वाटर मॉलिक्यूल का मतलब हाफ H2O मतलब क्या? तो वही कंफ्यूजन दूर करने आए हैं आज हम। तो उसी पे आज लेक्चर होगा टोटली, वाटर ऑफ, जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो अधिकतर बच्चों को कुछ कुछ नया लगता है एंड कुछ कुछ समझ नहीं आता है कि ये होता क्या है। तो वही आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो बस आप लोग रेडी रहो, ठीक है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि यूज करते थे वॉशिंग सोडा में, जो वाटर ऐड हो जाता था डेकाहाइड्रेट, वो क्या था, मॉलिक्यूल्स थे 10 मॉलिक्यूल्स वाटर का, ऐसा भी होता है। वो कैसे हम लोग काउंट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स को, 10, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करके डालेंगे, ऐड करते थे, वो क्या होता था, वो सब आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोटबुक लेके पेन लेके बैठ जाओ, बस दिमाग को ओपन रखना, ठीक है, कि जिससे मेरा हर बात आपको समझ में आए, ओके। बैक कर करके देखने की जरूरत ना पड़े और इसको, इस वीडियो को आप लोग फुल स्क्रीन पे देखोगे, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ओके। बस शॉर्ट वीडियो होगा, आपको फटाफट से समझ में भी आ जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये जो कंसेप्ट है आया कहाँ से? आप लोग सॉल्ट देखते हो, नॉट टाटा नमक जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, जो सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, बस वही वाला नमक नहीं। ये तो जैसे ही सॉल्ट स्टार्ट किए थे हम, तभी आप लोगों को मैंने बताया था कि बस जो हम लोग यूज करते हैं वही सॉल्ट नहीं होता, और भी सारे सॉल्ट होते हैं, आयरन सल्फेट एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो वो जो सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट जब सॉल्ट में जो हल्का मॉइस्चर टाइप्स रहता है ना, वही जो मॉइस्चर जो ऐड हो जाता है, उसी के कारण हम केमिकल फार्मूला में वो थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे कि आपने कुछ क्रिस्पी चीज बनाया घर में, जैसे हम ले ले एक पापड़ ही ले ले, पापड़, एक पापड़ का एग्जाम्पल ले ले, तो जहाँ पे ना, अगर आप उसको ऐसे ही बाहर रख दो जहाँ हल्का हल्का पानी गिरने का संभावना हो, मतलब जहाँ हल्का हल्का मॉइस्चर कंटेन हो, मॉइस्चर मतलब नमी, जहाँ वाटर का कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो एनवायरनमेंट में, वहाँ आप रख दो तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो क्रिस्पी नहीं रहता, उसका क्रिस्पीनेस खत्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर मॉइस्चर ऐड हो जाता है। उसी तरीके से जो सॉल्ट में हल्का हल्का से जो नमी लगता है ना, हल्का सा मॉइस्चर जो लगता है, वही वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से लगता है। वह सॉल्ट तो बस बिना वाटर का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, जिसमें वाटर का कुछ भी मॉलिक्यूल्स ना रहे, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, ओके। देन स्टार्ट करते हैं, क्या होता है सॉल्ट, फर्स्ट देखते हैं ये सॉल्ट, सॉल्ट के टाइप्स, एनहाइड्रस सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, नॉट सॉल्ट के टाइप, मतलब कि सॉल्ट जितने भी हम लोगों ने देखा है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसमें प्रेजेंट नहीं हो, मतलब एंटी लगा दो, मतलब उसमें प्रेजेंट नहीं है वाटर, एनहाइड्रस, हाइड्रस से वाटर का, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो क्या बोला हमने कि जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एग्जाम्पल यहां तो दिया ही है, आपको समझ में आएगा। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सॉल्ट्स में, किस तरीके से देखते हैं, जो सॉल्ट्स होता है उसमें कलर ऐड करता है, उसमें थोड़ा रंग डालता है सॉल्ट्स के लाइफ में, वो देखेंगे कैसे। फर्स्ट, ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है ना, इसमें वाटर रहता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ये वाटर के साथ होता है,
अब यहाँ जो है ये कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल्स है। अब ये कॉपर सल्फेट का कलर जिसमें जो होता है वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट है, और इसको ना जैसे ही हीट करोगे तो क्या पता चलेगा, इसका कलर रिमूव हो गया, ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट। समझ आया? कुछ कुछ समझ में आया होगा, लेबोरेटरी आप लोग गए होगे तो देखा ही होगा आप लोगों ने कि जैसे ही इस कॉपर सल्फेट को हम लोग चाइना डिश में डालकर आग पर डाले क्या हो जाता है, उसका कलर कलर से डिसकलर हो जाता है, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसमें से वाटर गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, मतलब ये जो कॉपर सल्फेट जो हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के रहते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख ले। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में भी समझ में आया ही होगा। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ये समझ में आया? इसका एग्जाम्पल्स लेके मैंने बताया तो आपको समझ में आया ही होगा। ये देखो, अब ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के यहाँ है एग्जाम्पल्स कौन कौन, वॉशिंग सोडा हो गया, ये सब हम लोगों ने बनाना भी सीखा ना, जिप्सम जिसका यूज करके हम लोग सीखे थे, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना सीखे थे ना, तो यही सब जो है ना इसमें देखो, यहाँ क्या है 2H2O है, 2H2O आ गया, ये जो है, ये जो 2H2O आ गया मतलब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर एड हो गया, तो क्या हो गया इसमें डाइहाइड्रेट, टू मतलब डाई, तो क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट, दैट इज जिप्सम। समझ आया? मे भी समझ में आया ही होगा। अब ये देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है, इसमें 10H2O ऐड हुआ, मतलब पूरा का पूरा पानी 10 बताए थे, याद करने का भी तरीका आप लोगों ने, आप लोगों को बताया था, तो इसमें भी कुछ अगर ये बिना इसका रिएक्शन जब आप लोगों ने देखा होगा वॉशिंग सोडा को बनाते टाइम, तो एनहाइड्रस जो होता था जिसमें वाटर नहीं होता था, हम लोग बाद में वाटर ऐड करते थे, उसमें क्या था एनहाइड्रस का कोई भी यूज नहीं होता था, कुछ भी यूज नहीं कर सकते थे हम लोग उसको, फिर उसमें हम लोगों ने वाटर ऐड किया था, फिर बनाया था क्या वॉशिंग सोडा बनाया था ना, इसी तरीके से तो बनाया था, तो ये जो वाटर ऐड हुआ मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, एंड ये देखो ये क्या है, 5 है, मतलब पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो गया, तो क्या हो गया ये, समझ आया, और ये कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट हो गया तो जिप्सम बन गया। देख रहे हो वाटर का कितना ये इसमें, मतलब वाटर का जितना मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाओ उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, उसका नाम ही चेंज हो जा रहा है। देख रहे हो वाटर कितना महत्वपूर्ण है यहाँ। तो इतना सारे एग्जाम्पल्स देखे, अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, एंड कुछ एग्जाम्पल्स भी। अब ये देखो ये क्या है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मैंने भी यही बताया था अभी, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, वन फॉर्मूला यूनिट मतलब ये जो पूरा कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड के आगे कोई भी नंबर नहीं लगा है, मतलब वन है, तो वन फॉर्मूला यूनिट में मतलब वन जो उसका सॉल्ट्स का जो भी फॉर्मूला है जिसमें हम वाटर ऐड करने वाले हैं, उसके वन फॉर्मूला यूनिट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग ऐड कर रहे हैं उसी को बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मे बी समझ में आया होगा, डिफाइन कर भी सकते हो, कोई भी पूछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करो। अब जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब उसको डिफाइन करने तो आना चाहिए ना, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल्स देख लो, कॉपर सल्फेट मतलब ऐसे ही बिना वाटर का प्रेजेंट है, मतलब नॉर्मली कॉपर सल्फेट है, सिंपल सॉल्ट है अगर बिना वाटर का प्रेजेंट है, तो जैसे ही इसमें वाटर ऐड किए 5 मॉलिक्यूल्स वाटर का, तो क्या हुआ पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट में पेंटाहाइड्रेट हो गया, मतलब कॉपर सल्फेट में पेंटाहाइड्रेट ऐड कर दो इसका नेम हो गया ये, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ये याद रखना, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट, दैट मीन्स एनहाइड्रस सॉल्ट। ये क्या हो गया? अब इसमें देखो एक चीज और होता है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, जैसे ही कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट में हम लोग ना वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है,
कैसे? अब ये जो है ना, ये कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बिना वाटर का जब रहता है, मतलब एनहाइड्रस, एनहाइड्रस में रहता है, एनहाइड्रस सॉल्ट जब रहता है ये कॉपर सल्फेट, तब उसका कलर कैसा होता है? वाइट। अभी स्टार्टिंग में ही हमने देखा, इसमें जैसे ही कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आप लोग कर देते हो, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देते हो, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू, जो कि देखने में बहुत है, अच्छा लगता है। तो ये जो वाटर है ना, थोड़ा सा कलर भी ला देता है किसके? सॉल्ट्स में। इसके लाइफ में थोड़ा सा कलर भी ऐड कर देता है, जिसको इसको जिससे इसको अच्छा लगने लगता है। मतलब हम लोग इसका यूज करते हैं, बिना वाटर का इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, है ना। एंड ये देखो, ये जो है ना आयरन सल्फेट, ये भी एनहाइड्रस में जब रहता है, मतलब इसमें वाटर नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये जब सिंपल फॉर्म में रहता है, बिना वाटर का प्रेजेंट रहता है, तो ये कौन से कलर में रहता है? वाइट कलर में। जैसे ये 7 मतलब हेप्टा, हेप्टाहाइड्रेट, ओके। हेप्टाहाइड्रेट तो कैसे पढ़ेंगे इसको? आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जैसे ये हेप्टाहाइड्रेट हुआ, इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। जब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाता है हमारा आयरन सल्फेट, तो इसका कलर कैसा होता है? कलर कैसा कर देता है? वाइट से ग्रीन कर देता है। मे बी आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब क्या हुआ? अब तो खत्म हो गया ये चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स था। हम लोगों ने तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया, एंड जो भी कन्फ्यूजन था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लेके, वो भी आज क्लियर हो गया। मे बी आप लोगों को मज़ा आया ही होगा। एंड मैंने लाइव वीडियो लेकर, लाइव लेक्चर लेकर आप लोगों के साथ पूरा कंसेप्ट, पूरे अच्छे से क्वेश्चंस भी किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर किया है। अब सब्जेक्टिव टाइप भी क्लियर करवा दो, ऐसा ये आप लोग खुद करो। ये कैसे होगा? आप लोगों ने इतना पढ़ा अच्छे से, अब तो अपने जो आपने पढ़ा, जो आप सोच रहे हो, जो आपको पता चला, उसको रिप्रेजेंट करने भी तो आना चाहिए। यही तो ह्यूमन नेचर का अच्छा मतलब अच्छा चीज़ होता है ना स्टूडेंट का, यही तो एक अच्छा वाला पॉइंट होता है। तो ये कैसे हो सकता है? आप लोग जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, उस पर खुद से क्वेश्चंस बनाओ, या बुक में तो कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं, नहीं तो आप लोगों के पास गूगल जी तो है ही ना, उससे क्वेश्चंस ढूंढ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे मैंने तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया है। तो आप लोग सब्जेक्टिव के लिए क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, या बुक के, एनसीईआरटी बुक के, जैसे ही लास्ट में जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो उठाओ, एक एक क्वेश्चंस उठाओ, उसका आंसर लिखने की कोशिश करो, ओके। बस आपको क्या समझना चाहिए, बस पूरे चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, ये तो ऑफकोर्स आप लोगों का सही आंसर भी होगा। अब ये तो इंग्लिश तो है नहीं ना कि हम लोगों को सेंटेंस देखना है, ये देखना है, बस आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप साइंस में क्वेश्चंस लिखने के लिए, उसका आंसर लिखने के लिए क्या क्लियर होना चाहिए? कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, दैट मीन्स हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं खुद से। तो मे बी आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट जैसा कि खत्म हो गया है, अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो अब थर्ड क्या लाऊं, क्या चाहिए आप लोगों को? तो थर्ड नाम सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा था कि मैम स्टार्ट करो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ओके देना स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ही स्टार्ट करेंगे। जो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे होगा, ओके। तो कार्बन को भी ना इसी तरीके से हाँ, जो से स्टार्ट भी करेंगे एंड खत्म भी करेंगे एकदम मज़ेदार तरीके से। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहो एंड मेरा वीडियो अच्छे से देखना, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कुछ अच्छा ना लगे, मैं कितना कंटेंट आपको दे पा रही हूँ, इसको जरूर कमेंट में बताना कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या चाहिए और ओके देन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ? कार्बन के साथ। बाय।